एंड गाइस अब बनाने वाले हैं इसकी टेस्ट ड्राइव के ऊपर। ओ भाई पहले गियर में कैसे उठती है ये? अबे पार है घोड़ू। सो क्लोज कॉल। बूम बूम लाइन को इतना मजा आया था। दिस साइड इज आकाश गुरु, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग। सो गाइस फ्रेश व्लॉग में आपका स्वागत है। आ चुके हैं हम नए व्लॉग में गाइस। तो अभी लास्ट वाला व्लॉग तो आपने देख लिया होगा जो हमने अपाची के ऊपर बनाया। एंड गाइस अब बनाने वाले हैं इसकी टेस्ट ड्राइव के ऊपर कि क्या पावर है। रॉ मशीन है ये ब्रो, रॉ मशीन, किलिंग मशीन कहने का मतलब। एंड अभी वही हम टेस्ट करने वाले हैं कि अभी जो लेटेस्ट वाली ना वो तो मैंने चला रखी है, पुरानी वाली मैंने नहीं चलाई। बिकॉज पुरानी वाली में बंदे कहते थे कि इसमें वाइब्रेशन इशू है। तो आज हम वही आपको बताने वाले हैं कि ज़्यादा वाइब्रेशन इशू है एंड क्या पावर है एंड क्या इसका टॉर्क है एंड क्या इसकी इनिशियल पावर है। तो आज हम आपको सब वही बताने वाले हैं। एंड गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना अपने भाई को। एंड ऐसे ही मस्त से मस्त कंटेंट लेके आते रहेंगे आपके लिए। तो अब ज़्यादा बात ना करके अब मिलते हैं डायरेक्ट अपनी राइड पे। तो फाइनली गाइस मोटो व्लॉगिंग सेटअप रेडी एंड हमने अपना गोप्रो अपने हेलमेट पे लगा लिया है। तो आज हम इस रॉ मशीन को टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस व्लॉग स्टार्ट करने से पहले हम इस मशीन्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। कंफर्ट जोन से लेके पावर से लेके सस्पेंशन से लेके एंड हैंडलिंग तक हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि कैसी है इसकी हैंडलिंग, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस एंड कैसी है इसकी पावर एंड कैसे है इसके सस्पेंशन। तो कंफर्टेबल है या नहीं है तो वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। एंड फर्स्ट टाइम मैं ये रॉ मशीन को टेस्ट करने वाला हूँ, बट अभी थोड़ा चलाया मैंने तो मज़ा आ गया था चला के मशीन को अच्छी तरीके से समझ के, क्योंकि बिकॉज थोड़ा समझना पड़ता है, एकदम से भगा नहीं सकते। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ फर्स्ट गियर में कितनी भागती है ये, देख रहे हो। एंड लास्ट वाले व्लॉग में मैं आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाना भूल गया था गाइस, तो अभी मैं आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ। ये मज़ा तो आ गया होगा, थोड़ा सा इसको सेट कर लिया जाए बिकॉज पीछे का दिखे कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हाँ सेट है मामला, तो अभी ऑन रोड में चलते हैं बिकॉज अभी सिविल लाइन पे बोले तो बगल वाली लाइन में क्या बोलते हैं इस लाइन को, सिविल लाइन बोलते हैं या समझ में नहीं आ रहा। वो डरा रही है ब्रो यार, डरा रही है ये तो। पावर तो इनसेन है भाई इसके अंदर, बोलो 390 cc की, हाँ सॉरी 390 कह रहा, 310 cc की बाइक है ये पहले गियर में। ओ, नो, 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 नो। भाई इज सो फास्ट, मजा आ गया, दिल जीत लिया ब्रो इसने तो। R15 थी ना भाई, वो उसके सामने कुछ भी नहीं है भाई। पावर में ब्रूटल मशीन है यार ये। ब्रेकिंग देखते हैं ब्रो उसकी, हाँ ब्रेकिंग जबरदस्त है भाई, एज अ कंपेयर टू देखा जाए ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है एंड सस्पेंशन भी चेक कर लिया जाए। ओ हो थोड़ा सा भी धीरे चलाते, जब स्ट्रेच रोड आएगी ना तब भगाऊंगा। एंड टॉप स्पीड तो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज दूसरे की बाइक है, संभालना मुश्किल हो जाएगी। एंड गाइस जो उसका पोस्चर है ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एज अ कम्पेयर टू देखा जाए R15 एंड KTM के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये गड्ढे आ रहे हैं, सस्पेंशन भी बहुत सही है, बोल तो पीछे का स्मूथ है, जो आगे का ना वो थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है। नहीं नहीं ठीक है ब्रो ठीक है, मज़ेदार है, आगे से भगा के खैचा मारते हुए आएगी इस वाली रोड से।
टोटल मशीन है ब्रो। पहले गियर में देखते कितनी भागती है। ओहो 56 81 दूसरे गियर पे। भाई 96 तीसरे गियर में, ऑलमोस्ट 100 लगा दी थी इसने भाई तीसरे गियर पे। मजा सा बांध दिया ब्रो। अब यहाँ से मारते हैं न्यूटन, थोड़ी हैंडलिंग भी देख ली जाए इसकी। ब्रो ठीक है हैंडलिंग तो इसकी, अब यहाँ कंकड़ पड़े हुए, हैंडलिंग ठीक है भाई, बट तीसरे गियर में 100 भाई पावर है भाई, खतरनाक वाली। और ऊपर जाती है। ओहो नो नो नो, ब्रूटल मशीन है ये। भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है भाई, बहुत ज्यादा ब्रूटल है ये, एंड डर लग रहा है बिकॉज दूसरे की है, एंड थोड़ा वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा ये, क्योंकि अपनी होती है ना ब्रो, उस पर बंदा खुल के भगा ले जाए, दूसरों की होती है ना तो थोड़ा सोच समझ के भगाना पड़ता है, चाहे कितना भी हाथ सेट क्यों ना हो आपका। चौथे गियर पे लगा दी जमाला, लव यू ब्रो। रेड चिली भाई खतरनाक मशीन है यार। हाँ बट एक थोड़ा इसका मुझे डिसअपॉइंट लगा, बिकॉज थोड़ी सी हैवी है ये, आगे से इसका पॉस्चर है ना बहुत ज्यादा हैवी है, तो जो होता है ना जैसे R15 है उसको इजीली कहीं भी झुकाओ कहीं भी घुटाओ इजीली कटिंग हो जाती थी, इसको ना लहराने में ना, कहने का मतलब जो देसी लैंग्वेज में सांप बनाने में ना, इसको भाई बहुत मुश्किल है, वही बना सकता है जो रोज चलाता है इसको, हमसे तो नहीं बन रही सांप, बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी है, थोड़ा लीनिंग वीनिंग मारने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है अपने को। पावर तो एक नंबर है। भाई बहुत ज़्यादा डेंजर है, बहुत ज़्यादा क्लिंग मशीन है, क्लिंग मशीन क्या बनाई है इसको भाई टीवीएस वालों ने, बहुत ज्यादा ब्रूटल है भाई ये। एक टाइम मेरे को ऐसे पीछे ही फेंक दिया इसने जब चौथे गियर लगाया तो। ओ भाई पहले गियर में कैसे उठती है ये, अबे कहाँ आ रहा है गोडू। आने की रोड नहीं है यार द्वारका में, एक्सप्रेस वे का आ गया कब बनेगा, वहां कच्चा लगा होगा, मशीन है ये तो कुछ भी कहो। पावर तो है भाई, जो पहले गए वो फुक खिंचती है ना ये, व्हीली बहुत प्यारी लगेगी इससे ब्रो, खतरनाक मशीन है खतरनाक। थोड़ी सी हैवी है ये, थोड़ा सा हाथ सेट करने थोड़ा टाइम लगेगा जिससे अपने आप को लहरा सके इसमें, ऐसे ही लहराना। ये सो क्लोज कॉल, पावर तो है, मान गए गुरु मान गए। तो गाइस दिल्ली से तो बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट से भी थोड़ा सा हल्का सा और प्यार आ जाए आपके भाई के लिए, नेपाल से भी तो और मज़ा आ जाएगा। ओ शिट बंद हो गई, तो बस आप लोगों से वही कहना चाहता हूँ थोड़ा सा प्यार और दे दो, नॉर्थ ईस्ट से और नेपाल से फुल सपोर्ट आया, तुम्हारा भाई भी आगे निकल जाएगा तुम्हारी साइड से, तो बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। माइलेज भी इसकी अच्छी है भाई, सिटी में बहुत प्यारी माइलेज है 33 की एज अ कम्पेयर टू 310 CC इंजन का।
एंड गाइस मेन चीज अपने फोर आर्म्स एंड अपने शोल्डर में बिल्कुल ही प्रेशर नहीं आ रहा, वरना भाई ऐसी होती है ना स्पोर्ट टाइप की बाइक है उनमें बहुत ज़्यादा हाथों में प्रेशर आता है। इसका सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड हैंडलिंग भी बहुत सही है। टूरिंग के लिए बंदा इसको यूज़ कर सकता है, सिटी राइड के लिए भी एंड टूरिंग के लिए भी। भाई रोला बना दिया, बोले तो बिहार वाले एक्सेंट में बोले तो भोकाल मचा दिया, भोकाल। यहाँ से मारते हैं न्यूटन या मिनी कूपर, बहुत जल लेंगे, बस टाइम आने दो। बुम बुम, इनलाइन फोर होती ना मजा आया था भाई, इनलाइन फोर की कमी है बल, टिच स्पोर्टी बाइक है बोले तो। बुम, अब देखो बुम बुम बुम, अब डलाते हैं पेट्रोल। पेट्रोल डालने से पहले वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है गाइस। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, भाई वर्थ इट है भाई, रॉ मशीन लगी मेरे को, मज़ा आ गया। अगर आप बाय करोगे ना भाई, कर सकते हो उसको बाय, एंड रॉ मशीन है ब्रो, रॉ मशीन, मज़ा आ गया उसको देख के। एंड आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी नेक्स्ट ही बड़ी ऐसी वीडियो मिलेगी। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लैम्पी चैनल्स। इस वीडियो को फैला दो यारो। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative.